तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में लागू होगा ट्रिपल टी फॉर्मूला। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है, कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को लेकर होगी कार्रवाई, टेस्ट टारगेट टर्मिनेट प्रक्रिया से रोकेंगे आतंकी गतिविधियां। तो फॉर्मूले को लेकर अगले महीने होगी बैठक, अधिकारियों के साथ की जाएगी बैठक। गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए उपयोग होता है ट्रिपल टी। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में लागू होगा ट्रिपल टी फॉर्मूला। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को लेकर होगी कार्रवाई, टेस्ट टारगेट टर्मिनेट प्रक्रिया को रोकेंगे आतंकी गतिविधियों। फॉर्मूले को लेकर अगले महीने बैठक होगी, तो अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए उपयोग होता है ट्रिपल टी। तो ट्रिपल टी को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्रिपल टी का फार्मूला दिया है, विषय दिया है टेस्ट टारगेट और टर्मिनेट, आतंकवादी गतिविधियों को और संगठित अपराधों को रोकने के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र के निर्देशानुसार इसमें भी सख्त कदम उठाने जा रही है। जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आने वाले माह में बैठक करके इस दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार वैसे भी पीएफआई और जैसे संगठनों पर कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है। तो मध्य प्रदेश में लागू होगा ट्रिपल टी फॉर्मूला, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है, कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को लेकर होगी कार्रवाई, टेस्ट टारगेट टर्मिनेट प्रक्रिया से रोकेंगे आतंकी गतिविधियां। फॉर्मूले को लेकर अगले महीने बैठक होगी। तो क्या कुछ कहा गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपको फिर से एक बार सुनाते हैं। निर्देशानुसार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्रिपल टी का फार्मूला दिया है, विषय दिया है टेस्ट टारगेट और टर्मिनेट, आतंकवादी गतिविधियों को और संगठित अपराधों को रोकने के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र के निर्देशानुसार इसमें भी सख्त कदम उठाने जा रही है। जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आने वाले माह में बैठक करके इस दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार वैसे भी पीएफआई और जैसे संगठनों पर कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है।